हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने अभी तक जो है यानी कि एक साल जून 2023 को ये फंड लॉन्च हुआ था और अभी यानी कि जुलाई 2024 यहां पे हो चुके हैं, तो एक साल के अंदर इसने यहां पे दिए आपको 114.47% रिटर्न। और जैसे मैंने आपको बताया कि जून 2023 में ये लॉन्च हुआ है और पिछले साल यानी कि जून 2023 से लेकर जुलाई 2024 के बीच में इसने 121.99% की जो CAGR है यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से जो है इसने रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे पिछले 3-6 महीने की अवधि की यदि बात करें तो पिछले 3 महीने में इसने यहाँ पे 33.02% और पिछले 6 महीने में यानी कि जो जुलाई से लेके इससे पीछे की अवधि है उसमें इसने 52.22% का यहाँ पे जो है रिटर्न इसने दिया है। अब आगे दोस्तों देखते हैं कि ये फंड का नाम क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि HDFC यानी कि ये जो है यहाँ पे AMC कंपनी है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। डिफेंस यहाँ पे सेक्टर हो गया और फंड आपका जो है डायरेक्ट ग्रोथ फंड है यानी कि HDFC AMC कंपनी का ये डिफेंस सेक्टर का एक म्यूचुअल फंड है जो कि प्योर इक्विटी फंड है। और यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे दो तरह के फंड होते हैं, एक हो गया आपका रेगुलर फंड और दूसरा हो गया आपका यहाँ पे डायरेक्ट फंड। तो दोस्तों रेगुलर फंड यानी कि वो फंड जिन में जो है आप किसी एडवाइज़र या किसी जो एजेंट है उसके थ्रू यदि आप निवेश करते हैं तो वो जो है रेगुलर कैटेगरी के फंड आते हैं। फंड आपका एक ही होता है, यदि आपने एडवाइज़र के थ्रू उस फंड में निवेश किया तो रेगुलर फंड हो गया, और आप यदि डायरेक्ट अपनी रिसर्च से आप जो है बिना एजेंट के उसमें निवेश कर रहे हैं तो वो जो है यहाँ पे आपका ग्रोथ फंड कहलाता है। तो डायरेक्ट और ग्रोथ फंड में यानी कि आप यदि डायरेक्ट लगा रहे हैं तो 1.21% या अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 1% जो है आपको रिटर्न यहाँ पे अधिक मिलता है रेगुलर के कंपैरिजन में। तो ये होगी यहाँ पे सिंपल सी बात। दूसरा दोस्तों, आज यानी कि 19 जुलाई 2004 में इसके यूनिट का प्राइस यानी कि एक यूनिट का जो प्राइस है वो आपका यहाँ पे 23.27 रुपये है। और इस फंड की यदि आप साइज की बात करें तो 3,665.95 करोड़ रुपये जो है इस फंड का यहाँ पे साइज अभी तक हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.68% इसका एक्सपेंस रेशियो है। वहीं जो है इसी कैटेगरी का जो फंड हैं, जो और भी फंड हैं, यदि उनका यहाँ पे आप एवरेज निकालोगे तो वो है 0.65%, यानी कि दोनों का जो एक्सपेंस रेशियो है बराबर है, यानी कि अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जो AMC कंपनी द्वारा इस फंड को संचालन करने में जो आपसे चार्ज लिया जाता है, यानी कि जो आपका 3,665.95 करोड़ रुपये है उसका 0.68% जो है ये यहाँ पे अपना जो खर्चा है वो चलाने के लिए अपनी फीस लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम SIP की बात करें कि इस फंड के ऊपर आपने SIP से निवेश किया था 11 जुलाई 2024 तक, उसकी वैल्यू क्या रही जब आपने सितंबर 2023 में इसके ऊपर निवेश किया, तो आप देखेंगे कि तब से अब तक का जो आपका अमाउंट मान लीजिए वो 60,000 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, और उसका रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे 1,04,297.67 रुपये ऊपर नीचे होगा, क्योंकि हर दिन जो है NAV आपका ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस तरह की आपको यहाँ पे रिटर्न मिले हैं यदि इस फंड के ऊपर आपने एक साल पहले यहाँ पे निवेश किया होता तो। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है HDFC का डिफेंस फंड है, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये पर्टिकुलर जो है जो डिफेंस की कंपनियां हैं, वो चाहे PSU कंपनी है या फिर वो जो है प्राइवेट कंपनी है, उन कंपनियों में ये निवेश करता है। तो ये मैंने आपको करंट NAV इसका बता दिया है, रिटर्न मैंने आपको जो है ऑलरेडी बता दिया है कि कितना कितना रिटर्न इसने यहाँ पे दिया। फंड साइज जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे इतना है, एग्जिट लोड 1% आपको यहाँ पे देना होगा यदि आप एक साल से पहले या 365 दिन से पहले यदि आप इस फंड को रिडीम करते हैं तो यहाँ पे 1% आपको देना होगा। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आप जो है यहाँ पे जो है 100 रुपये से आप यहाँ पे अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो अभी इस फंड में जो है बंद किया हुआ है,
फंड मैनेजर द्वारा। तो आपको जो है SIP से ही इस फंड के ऊपर अभी जो है निवेश करना है। अब यहाँ पे यदि हम क्वार्टरली रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे कि 2024 में इसके रिटर्न, उससे पहले आप बात कर लेते हैं 2023 के क्वार्टर थ्री में इसने 17.55% के जो है यहाँ पे रिटर्न दिए। वहीं 2023 के जो क्वार्टर फोर है उसमें 27.94% के यहाँ पे रिटर्न दिए। अब आते हैं 2024 के क्वार्टर वन में, तो यहाँ पे इसने 8.24% का रिटर्न दिया, और क्वार्टर टू की बात करें तो 42.97% की इसने अभी तक क्वार्टर बाय क्वार्टर अभी तक रिटर्न ये दे चुका है। आगे देखते हैं, यहाँ पे रिटर्न का कंपैरिजन करते हैं कि जो बेंचमार्क है उसके अगेंस्ट इसने कितना रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं जहाँ बेंचमार्क ने जो है एक साल में आपका 20.88% रिटर्न दिया, वहीं आप देखेंगे कि इस फंड ने 124.49% का जो है रिटर्न इसने जो है इन्वेस्टरों को दिया है। यहीं आप यदि ग्राफ की बात करें तो ये हो गया आपका इस फंड का जो आपका HDFC का जो है डिफेंस फंड है, और ये जो है आपका जो है यहाँ पे बेंचमार्क है। तो आप देखेंगे इसका रिटर्न कितना शानदार इसने यहाँ पे इन्वेस्टरों को जो है रिटर्न दिया है। आगे एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो जो है फंड एलोकेशन है। तो यहाँ पे इस फंड का जो 95.09% जो है वो डायरेक्ट जो है यहाँ पे इक्विटी में जाता है, और जो 4.19% यानी कि लगभग जो है 5% जो है ये जो है अदर जो डिबेंचर हो गया या जो डेट सिक्योरिटीज होगी उनमें ये निवेश करता है। अब क्वार्टर बाय क्वार्टर देखते हैं कि इसमें इन्होंने कितना चेंज किया है। तो आप देखेंगे कि जो जून 2024 का जो Q1 है उसमें देखिए डेट में इतना है, उससे पहले आप देखेंगे जो मार्च 2024 का जो क्वार्टर है उसमें देखिए डेट में इन्होंने कम कर दिया, और दिसंबर 2023 वाला जो क्वार्टर आप देखेंगे उसमें डेट में इन्होंने बिल्कुल जो है पैसा सारा निकाल के इक्विटी में डाल दिया था। और इस तरह से आप देख सकते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर जो फंड मैनेजर है उसने जो है किस तरह से फंड को यहाँ पे स्विच किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन की, किस सेक्टर में कितना पैसा इन्होंने डाला है। तो जो कैपिटल गुड्स है उसमें आप देखेंगे 65.08% है, वहीं केमिकल की कंपनियों में देखेंगे आप 13.88% है, वहीं कम्युनिकेशन में देखेंगे आप 6.21% है, और वहीं कंस्ट्रक्शन की कंपनी में 5.12% है, और सर्विस में आप देखेंगे तो 4.12%, और जो अदर्स कंपनी है 5.59% यहाँ पे है। सबसे बड़ी कंपनियों में आप देखेंगे यहाँ पे 46.61% है, वहीं लार्ज कैप यानी कि उस जाइंट से थोड़ा छोटी कंपनी है लेकिन जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है उसमें देखेंगे आप 20.73% है, मिड कैप में देखेंगे आप 23.60% है, वहीं स्मॉल कैप में देखेंगे आप तो 8.86% है, और टाइनी यानी जो माइक्रो कैप जो कंपनियां है उसमें देखेंगे आप 0.19% है, यानी कि बहुत कम है। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो ये HDFC का डिफेंस फंड है ये जो है लार्ज कैप जो है म्यूचुअल फंड है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे 46 यानी कि आपका हो गया 66% पैसा जो है इसका जो है लार्ज कैप कंपनियों में लगा है। तो ये जो है एक लार्ज कैप कंपनी है। तो आपको किस तरह से आप पहचानेंगे कि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है ये किस तरह का म्यूचुअल फंड है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फंड मैनेजर है उसने जो फंड का एलोकेशन है वो किस कंपनियों में कितना किया है। यानी बड़ी कंपनियों में ज़्यादा किया है तो वो जो है आपका लार्ज कैप हो गया। यदि मिड कैप कंपनियों में जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि मिड कैप कंपनियों में 60% है तो वो जो है मिड कैप कैटेगरी का जो है म्यूचुअल फंड है। और वहीं आप देखेंगे कि जो स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं उसमें यदि 45% या 50% पैसा जो है एलोकेट किया है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है स्मॉल कैप फंड है। तो इस तरह से किसी भी म्यूचुअल फंड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। आगे जैसे मैंने बताया आपको कि सारे डिफेंस सेक्टर की जो है PSU कंपनियाँ हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे HAL हिंदुस्तान जो है एरोनॉटिकल्स में देखिए आप सबसे ज़्यादा फंड का एलोकेशन यहाँ पे किया है, यानी कि 21.22% जो है इन्होंने पैसा जो है
HAL के ऊपर सीधा डाला हुआ है। वहीं BEE की बात करें यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जो कि कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनी है, वहाँ पे देखिए आप 19.8% जो है यहाँ पे इन्होंने फंड का एलोकेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर किया है। वहीं आप आगे देख सकते हैं ये भी PSU कंपनी है BEMEL, और जो आपका MTAR टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं ये प्राइवेट जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, लार्सन एंड ट्यूब्रो हो गया, और ये जो है आपका एयरलाइंस कंपनी का हो गया इंडिगो। तो इस तरह से इन्होंने फंड का एलोकेशन यहाँ पे किया है। ये सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इसके अलावा भी अदर्स कंपनी है जिसमें एलोकेशन इससे आपका थोड़ा और कम हुआ। तो दोस्तों फंड मैनेजर का नाम यहाँ पे अभिषेक पाउडर है, और सिंस जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से जो है इन्होंने ही जो है इस फंड को मैनेज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इससे पहले जो है ये कोटक सिक्योरिटी हो गया, आपका टाटा कैपिटल हो गया, आनंद राठी सिक्योरिटी हो गया, और वेदांता जो आपका रिसोर्सेज है उनको जो है ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।